Yes, good morning everyone. Have a look. Today we are going to discuss the calculation of elasticity of demand when total expenditure is given. We have already discussed the simple formula of calculating elasticity of demand. We have discussed how elasticity is calculated by percentage method and by proportionate method, right? Here again we are going to use the formula of proportionate method only, and we are going to calculate the elasticity of demand. Have a look, I am noting down the formula for every one of you, each and every one of you. Elasticity of demand is equals to P upon Q multiplied by delta Q upon delta P. Right, ये हमें पहले से पता है कि elasticity of demand को calculate करने का ये formula है, हम इस तरीके से elasticity calculate करते हैं. तो यहाँ हमें क्या करना है, have a look. यहाँ हमें क्वांटिटी गिवन नहीं होगी, हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है. प्राइस विल बी गिवन, आपको दे रखा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम रुपीज 7 पर केजी टू रुपीज 5 पर केजी. इट मींस दे हैव गिवन यू टू डिटेल्स, पी इज इक्वल्स टू 7 एंड P1 इज इक्वल्स टू 5. राइट, नाउ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दिस, total expenditure, they haven't given you the quantity. He keh rahe hai, the total expenditure on it increases from 3500 to 6250. Total expenditure pehle 3500 ho raha tha aur ab 6250 ho gaya. So hume old quantity aur new quantity nikalni hai by using the total expenditure. Anyone jo bata sakta hai ki kaise nikalenge? Can anyone tell me how can we calculate the quantity by using total expenditure? अगर मैं आपको बोलूं कि डेरी मिल्क 7 रुपीज की है और आप डेरी मिल्क के 3500 का एक्सपेंस करके आ रहे, तो आपने डेरी मिल्क की कितनी क्वांटिटी परचेज की, ये कौन बता सकता है? यस, फाल्गुनी कैन यू बता? विल डिवाइड द प्राइस बाय द क्वांटिटी. वेरी गुड, वी विल डिवाइड द प्राइस बाय क्वांटिटी. राइट, हम क्या करेंगे, प्राइस को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे सिंपली, क्वांटिटी को प्राइस. ये जो टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, बेसिकली क्वांटिटी भी नहीं बोलेंगे, वी विल डिवाइड द टोटल एक्सपेंडिचर बाय प्राइस. राइट, हम क्या करेंगे, हम 3500 को 7 से डिवीजन दे देंगे, हमें पता चल जाएगा पहले कंज्यूमर कितना परचेज कर रहा था. उसी तरीके से हम 6250 को 5 से डिवीजन दे देंगे क्योंकि न्यू प्राइस कितनी है 5, तो हमें पता चल जाएगा कंज्यूमर अब कितना परचेज करता है. जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी दोनों आ जाएगी. ये ओल्ड क्वांटिटी और न्यू क्वांटिटी आती है, हम क्या कर पाएंगे, हम अपना जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए कैलकुलेशन करते हैं वो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट ऑन कर पाएंगे और अपना फाइनल आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे. इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, ये आप खुद करेंगे. अ कंज्यूमर स्पेंड्स रुपीज 80 ऑन अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1 पर यूनिट. एक रुपया प्राइस है तो कंज्यूमर 80 रुपीज स्पेंड कर रहा है, यानी 80 रुपीज उसका टोटल एक्सपेंडिचर. अब आपको बोल रहे हैं कि आप तो कैलकुलेट कीजिए इलास्टिसिटी, आगे आपको डिटेल में गिवन है. एंड रुपीज 100 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 2 पर यूनिट. जब प्राइस 2 हो जाती है तो वो 100 रुपीज एक्सपेंडिचर करता है. इलास्टिसिटी निकालिए. देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आपको करके शो कर देती हूँ. कंज्यूमर स्पेंड्स रुपीज 80 एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1, यानी आपको डिटेल नंबर फर्स्ट गिवन है प्राइस इज इक्वल टू 1. डिटेल नंबर 2 गिवन है P1 इज इक्वल टू रुपीज 2. फिर क्यू आ जाएगा 80, क्यों, क्योंकि प्राइस 1 रुपीज है तो वो 80 रुपीज का एक्सपेंडिचर करता है. 80 अपॉन 1 करके मैंने निकाल लिया क्वांटिटी, और न्यू क्वांटिटी आ जाएगी आपकी 50, क्यों, क्योंकि अब वो 100 रुपीज का एक्सपेंडिचर कर रहा है. 100 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास आ गया 50. अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर देती हूँ, पी अपॉन क्यू दैट इज 1/80 इंटू डेल्टा क्यू दैट इज 30 माइनस 30 अपॉन डेल्टा पी दैट इज प्लस 1. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा. पॉइंट के बाद मिनिमम 2 डिजिट्स निकालनी कंपलसरी है. पॉइंट के बाद यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, वहां तक नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आगे बढ़े, बस ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे. आगे वाला भी वो कितने रुपीज स्पेंड कर रहे हैं, यानी वो उसका टोटल एक्सपेंडिचर आपको क्वेश्चन बता के देता है, ये आराम से हो जाएगा. इसके बाद में आप देखिए, गिव मी अ सेकेंड. करण, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम.
have a look. So this is a new topic. Flatter the curve, more is the elasticity. ये आपको बताना चाह रहे हैं, जब भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, अगर हम डिमांड कर्व लें, तो जब डिमांड कर्व जितना ज्यादा फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं 5 डिग्रीज में बात करूं, 5 जो हमने डिग्रीज पढ़ी थी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, आप इधर देखिए स्क्रीन पे, हाईली इलास्टिक डिमांड का कर्व था कुछ इस तरीके का, ऐसा राइट, थोड़ा फ्लैट था, हाईली इलास्टिक डिमांड था। और अगर मैं लेस इलास्टिक डिमांड की बात करूं तो लेस इलास्टिक डिमांड वाला कर्व था कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा स्टीपर था, स्टीपर था राइट, स्ट्रेट था। हाईली इलास्टिक वाला तो थोड़ा फ्लैट सा बन रहा था और लेस इलास्टिक वाला थोड़ा स्टीपर सा बन रहा था। तो ये आपको यही बताना चाहते हैं कि कोई कर्व जितना ज्यादा फ्लैट होता है उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। एक बार बुक वाला एग्जाम्पल रुक के समझेंगे, मैं आपको जो डायग्राम बना रही हूँ आप उसी में नोटिस कीजिए, क्या समझाना चाह रही हूँ वो बात समझिए अच्छे से। सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी को साथ साथ में ड्रॉ भी करके देखो, सिंपली ग्राफ बनाइए, दो कर्व बना दीजिए आप, एक थोड़ा सा स्टीपर, ये थोड़ा सा स्टीपर बनाया मैंने ब्लू कर्व, दोबारा बनाती हूँ आपके लिए, और ये जो ब्लैक कर्व बनाया मैंने, ये ब्लैक कर्व थोड़ा सा फ्लैट बना दिया, अ बिट फ्लैटर राइट। अब देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक प्राइस ले ली, ये प्राइस ले ली, इस प्राइस पे ब्लैक कर्व में इतनी क्वांटिटी शो हो रही थी और ब्लू कर्व में इतनी क्वांटिटी शो हो रही थी राइट। अब मुझे क्या करना है, प्राइस को थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ओनली अ बिट, मैंने ये प्राइस को डिक्रीज किया इतना। जब मैं प्राइस को इतना डिक्रीज कर रही हूँ तो मेरा ब्लू वाला कर्व शो कर रहा है क्वांटिटी में इतना चेंज, ये एरो जितना चेंज आ रहा है, पहले क्वांटिटी इतनी थी और अब क्वांटिटी इतनी हो गई है, तो ये जो है ये चेंज है। लेकिन ब्लैक कर्व की बात करूं तो उसकी पुरानी क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस में इतना चेंज आने पर अगर मैं बात करूं तो उसकी क्वांटिटी में एक अच्छा खासा चेंज आ गया, कंसिडरेबल चेंज, क्वांटिटी का एरो देखो कितना बड़ा बना। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जो कर्व जितना ज्यादा फ्लैट होगा उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब अभी ये साथ में कंबाइंड डायग्राम था तो थोड़ा कम विजिबल हुआ होगा स्क्रीन पे अच्छे से, मैं इंडिविजुअली दो डिफरेंट डायग्राम्स बना के आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर्व बनाया, इसपे मैंने ये फर्स्ट पॉइंट लिया, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि प्राइस में इतना चेंज आया तो क्वांटिटी में कंपैरेटिवली इतना चेंज आ गया, कब, जब कर्व थोड़ा सा फ्लैट था, यानी इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है इस डायग्राम में, ठीक है। प्राइस में इतना परसेंट चेंज आने से क्वांटिटी में इतना चेंज आ गया, यानी क्वांटिटी में कंसिडरेबल चेंज आ गया, कब, जब हमारा कर्व थोड़ा सा फ्लैट बना। अगर मैं इसी कर्व को थोड़ा स्टीपर बनाऊं और प्राइस को इतना ही चेंज करूं, ये जितना मैंने यहाँ किया है उतना ही एग्जैक्ट चेंज करूं कुछ इस तरीके से, देखिए मैंने सब कुछ रेज कर दिया, बस प्राइस के चेंज वाली डॉट्स नहीं हटाई, इस बार मैं थोड़ा सा स्टीपर कर्व बनाऊंगी, स्टीपर यानी थोड़ा सा स्ट्रेट, ये मैंने बनाया एक स्टीपर कर्व आपके सामने स्क्रीन पे। अब मैं यही प्राइस लेती हूँ जो मैंने पुराने फ्लैट कर्व में ली थी पहले, और न्यू प्राइस भी वही लेती हूँ जो मैंने फ्लैट कर्व में ली थी। इस बार आप देखिए क्वांटिटी में चेंज कितना कम आया है, प्राइस में तो हमने उतना का उतना चेंज किया बट क्वांटिटी में कंपैरेटिवली कम चेंज आया। तो ये बस आपको सिंपल सी बात इस टॉपिक से बताना चाहते हैं, फ्लैटर द कर्व, मोर इज द इलास्टिसिटी। जितना फ्लैट कर्व बनाओगे उतना ज्यादा चेंज क्वांटिटी में आएगा, और जितना स्टीपर कर्व बनाओगे उतना कम चेंज क्वांटिटी में आएगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस डायग्राम, हैव अ लुक, ये डी डी जो है वो थोड़ा सा फ्लैट है और ये थोड़ा सा स्टीपर है राइट। अब देखिए, हमने पहले प्राइस से, ये प्राइस न्यू है और ये इनिशियल प्राइस है, हमने इनिशियल प्राइस रख के दोनों की सेम क्वांटिटी रखी, सेम क्वांटिटी। ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जब प्राइस पी थी तो दोनों ही कर्व कितना शो कर रहे थे क्वांटिटी, क्यू जितनी क्वांटिटी शो कर। अब प्राइस में इन्होंने चेंज ले लिया, पी से पी वन जितना चेंज ले लिया, क्वांटिटी देखिए फ्लैट कर्व की तो इतनी चेंज हो गई, ये ब्लैक वाला जो मैंने हाईलाइट किया इतनी,
लेकिन स्टीपर कर्व की अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम चेंज हुई है, सिर्फ इतना चेंज आए. यानी स्टीपर कर्व में कम रिस्पॉन्स देती है डिमांड, जबकि फ्लैट कर्व में डिमांड थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स देती है. इज इट ओके टू एवरीवन? इफ यस देन शो मी अ थम्स अप. ऑल राइट, दैट्स ग्रेट. आगे देखिए, किसी को रीड कर रहे हैं या आपको बताना चाह रहे हैं, व्हेन टू डिमांड कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर देन द फ्लैटर कर्व इज मोर इलास्टिक एट द पॉइंट ऑफ इंटरैक्शन. जो कर्व फ्लैट होगा वो थोड़ा सा ज्यादा इलास्टिक होगा. यहाँ पे इन्होंने दो डिमांड कर्व बना के दे दिए, डी डी एंड डी वन डी वन. डी डी इज मोर फ्लैट एंड डी वन डी वन इज स्टीपर. स्टीपर यानी थोड़ा सा स्ट्रेट है. ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे, जहां पे क्वांटिटी ओ पी प्राइस पे ओ क्यू है. यानी इन्होंने दोनों कर्व पे सेम प्राइस रखी है ओ पी और क्वांटिटी सेम रखी है ओ क्यू. सॉरी. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राइस को चेंज किया, प्राइस को ओ पी से ओ पी वन तक इंक्रीज किया. और ये आपको बताना चाह रहे हैं कि स्टीपर वाले कर्व में क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू वन होगी, लेकिन फ्लैट में ओ क्यू टू होगी. यानी फ्लैट में चेंज थोड़ा सा ज्यादा आता है. इट मीन्स कंक्लूसिवली उन्होंने लिख दिया, डिमांड इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ फ्लैटर कर्व एज कम्पेयर टू स्टीपर कर्व. स्टीपर कर्व के कंपैरेटिवली फ्लैटर कर्व की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा इलास्टिक होती है. दैट्स इट. नाउ लुक एट द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हाट इज इट? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सबसे क्रूशियल टॉपिक है इस चैप्टर का. थियोरिटिकल क्वेश्चन अगर आता है तो यहीं से आता है. एनी टू फैक्टर्स विल बी गिवन एंड यू विल हैव टू एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नाउ हैव अ टॉपिक. शुरू करने से पहले समझते हैं कि इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कौन सी कमोडिटीज ऐसी होती है जिनकी डिमांड मोर इलास्टिक होती है. मोर इलास्टिक अगर मैं बोलूं या इलास्टिक बोलूं, इट मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में जितना चेंज आएगा उसके कंपैरेटिवली क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा. और अगर मैं बोलूं लेस इलास्टिक, अगर मैं आपको कहूं डिमांड इज लेस इलास्टिक, इसका मीनिंग है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट सॉल्ट, अगर हम नमक की बात करें तो सॉल्ट की डिमांड होती है लेस इलास्टिक, राइट? जितना चेंज क्वांटिटी में, जितना चेंज प्राइस में आता है उतना चेंज क्वांटिटी में नहीं आता. क्यों नहीं आता क्वांटिटी में चेंज? ऑब्वियसली क्योंकि वो हमारे लिए नेसेसिटी कमोडिटी है. अगर वो कॉस्टली भी हो जाएगी तो भी हम बिना नमक का खाना नहीं खा सकते, राइट? और अगर मैं बात करूँ लग्जरियस आइटम्स की, एसी की, तो उनकी डिमांड होती है मोर इलास्टिक, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस कौन होते हैं, जैसे ही चेंजेस होते हैं वो डिमांड को भी चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें आपको बस अभी दिमाग में ये इतना क्लियर रखना है कि कल का टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, अगर मैं आपको कहूँ डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, इट सिंपली मींस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस काफी ज्यादा है, प्राइस में जितना चेंज आता है उसके कंपेरेटिवली क्वांटिटी में अच्छा खासा चेंज आ जाता है. एंड इफ आई से डिमांड इज लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो उसका मीनिंग होगा कि डिमांड में कम चेंज आता है, प्राइस के कंपैरेटिवली क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं आता, क्वांटिटी कम रिस्पॉन्स करती है. इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ हैव अ लुक एट दिस वन. चेंज इन क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा. अ चेंज इन प्राइस डज नॉट ऑलवेज लीड टू द सेम प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड. ये कह रहे हैं जितना प्राइस में चेंज आता है हमेशा डिमांड में उतना चेंज नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ एसी मे अफेक्टेड डिमांड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. एसी की प्राइस में अगर छोटा सा भी चेंज आएगा तो हो सकता है उसकी डिमांड में अच्छा खासा चेंज आ जाए. वेयर एज अ लार्ज चेंज इन प्राइस ऑफ सॉल्ट मे नॉट अफेक्टेड डिमांड. हो सकता है नमक की प्राइस में बहुत चेंज आ जाए फिर भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ा. हो सकता है एसी की प्राइस सिर्फ 10% से चेंज हुई हो और कंज्यूमर ने उसकी डिमांड को अच्छा खासा 20-30% से चेंज कर दिया, लेकिन हो सकता है कि सॉल्ट की प्राइस में 100% चेंज आ गया हो, यानी रेट डबल हो गई हो, फिर भी कंज्यूमर ने उसकी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं किए हो. तो ऐसा पॉसिबल होता है. फिर क्या कह रहे हैं ये,
सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गुड्स. अलग अलग गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी क्या होती है, अलग अलग होती है. अब इसके 8 पॉइंट्स है, ये 8 पॉइंट्स हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में. आप रीड करके रखना, आपको डेफिनेटली समझ आएगा. नेचर ऑफ कमोडिटी, देन अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट. आपका आज का टास्क है इसकी रीडिंग और न्यूमेरिकल नंबर 30 तक करके, 27 से लेके 30 तक चार जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स है वो आपको करने, और फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी वाला टॉपिक आपको करके लिखना है. इज इट ओके टू एवरीवन? एनीवन एनी क्वेश्चंस? नो? ऑल राइट देन, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में. हैव अ नाइस डे.